श्रृंगार कुदर पाया कुर श्रृंगार प्यारो लागे रे नारायण सारी जाति को श्रृंगार। वाजी काका जी क्या बात है, सरपंच संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गया आज तक, प्रदेश के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी गौड़ साहब, सम्मान्य सूरत राम जी भाई साहब, सम्मान्य हमारे गुरुजी दोनों गुरुजी प्रधान साहब, उप प्रधान साहब के प्रतिनिधि महावीर जी, उप चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब मनोज जी और सम्मानित मंच। मेरे सामने बिराज रहे आसपास से पधारे हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से पिछले 7 दिन से हम देवनारायण महोत्सव मनाते आए हैं, क्योंकि कहीं कहीं आगे पीछे होकर कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा था। खानपुर में अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, कल झालावाड़ में है। देवनारायण भगवान की आस्था सबसे है, विष्णु जी का कौन सा 11 अवतार, 1100वां अवतार है और सबकी भावना है। और ऐसा नहीं है कि भाई गुजर समाज का ही है तो उनके आराध्य देव, ऐसे ऐसे उदाहरण भी है जहाँ कोई गुजर समाज का एक भी घर नहीं है, वहां भी मंदिर है, वही उनकी आस्था है, वही बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। परसों के दिन मना साहब हम साथ थे कौरपुरा मंड में, अभी मैं वाइस चेयरमैन साहब से कह रहा था कौरपुरा मंडवाला ने खानपुर में बहुत बड़ा गांव है, वहाँ मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, गुजर समाज का एक भी घर नहीं है, फिर भी आस्था है। ये सबकी आस्था का केंद्र है और मैंने हमेशा कहा कि ये तो आस्था होती है, भगवान जिसको माने सब भगवान कार्य करते हैं। ये कोई भी देवनारायण भगवान हो, विष्णु भगवान कितने रूप है, सबको अपन माने तो सब नहीं, कहीं आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। और आस्था के लिए तो हिंदू संस्कृति में कहा है कि किसी पत्थर के भी कामे लगा तो उसको भी आस्था के रूप में मानो तो वो भी काम करना शुरू कर देता है। आस्था है, कण कण में भगवान है, हम तो यही मानता हूँ, मैं खुद तो यही मानता हूँ और सबको मानना भी चाहिए कि हर आदमी के मन में भगवान है। हर गरीब हो चाहे कोई भी हो और इंसान हो, सबके मन में कहीं कहीं भगवान है, यानी कण कण के अंदर भगवान है। उसी के अनुरूप हमें आगे कोई भी उसके अनुसार भी हमें काम करना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि ये सामने भगवान ही है, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये मान, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको भगवान मानना चाहिए और उसी के अनुरूप हम सबको काम करना चाहिए। और इस प्रकार से यदि काम करें तो मैं मानता हूँ कि हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भी है कि हम कर्म तो कुछ ऐसा कुछ भी होने जाने वाला कुछ भी नहीं, बोले आज भगवान के कम जाए कम आए पर अपनी भावना इस प्रकार की रहे, इस प्रकार के अपने भाव रहे कि हम सबको किसी करुणा की भावना से, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, किसी को कोई पीड़ा न हो, किसी को कोई दर्द नहीं पहुंचे, इस प्रकार की भावना अपनी हो। आज इस मनोज जी ने हमें बुलाया है, सम्मान किया है सबको, मैं मेरी तरफ से हर साल ये प्रोग्राम करते हैं क्योंकि गांव तो छोटा सा है पर भावना इनकी देखो, इतना बड़ा मंच आज सबको एक ही मंच पे कितने लोगों को, चाहे सांगोद हो, चाहे झालावाड़ हो, अब सूरत राम जी गुरु जी कहाँ सब लोग पधारे, आदरणीय गुरु जी सभी झालावाड़ से पधारे, सब मंचासीन, बड़ा लंबा मंच है वास्तव में। मैं सबको ज्यादा नहीं कहते हुए सबको मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस उत्साह के साथ आपने प्रोग्राम किया, आपकी भगवान मनोकामना पूरे और आगे आने वाले समय में जो लग रहा है अभी शायद मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। आपने हमें भी बुलाया और सम्मान किया, बना साहब तो चल के आए कोटा से,
तो विशेष रूप से सब पधारे हैं, आपका स्नेह है, प्यार है, सरपंच साहब बैठे हैं, डीमी वाले सभी मंचासीन सभी अतिथि।